आज पठानकोट में यूथ कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष रोहित सरना की अध्यक्षता में सरना अड्डा के पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया व मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई। बता दें कि पहले यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार का सफाया करते हुए पूरे सरना अड्डे में जुलूस निकाला व उसके बाद सरना चौक में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित सरना व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महंगाई व देश में बढ़ रही बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटका कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि वह हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं पर ईडी डाल अपनी नलायकी छुपा रहे हैं और रोहित सरना ने कहा कि आज जब पूरे देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रोष कर रही थी तो दिल्ली में राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, इसलिए उनकी ओर से ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे। जिहड़ी कि नैशनल जिहड़ी साडी धराल अखबार न्यूज़पेपर साडा अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ईडी का उहदे कोई रोल नहीं, बट सेंटर सरकार ईडी वर्गी एजेंसियां सीबीआई वर्गी एजेंसियां नूं मतलब नजायज़ जिहड़ा फायदा लैके साडे नैशनल लीडर नूं सदरे हरासमेंट कर रहे हैं। अज उहदा असीं प्रोटेस्ट कीता, दिल्ली में भी किया, बट दिल्ली में राहुल गांधी नूं अरैसट किया सेंटर सरकार ने, बड़ी मंदभागी गल है। असीं उहदा विरोध करने हैं। महंगाई का मुद्दा जेकर सरकार बहस नहीं कर रही, कोई होर मुद्दे है, बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी सारे मुद्दे भड़का आ गए। सरकार यहोजे मुद्दे चुक रही है कि जिद पौली का ध्यान उधर जाए ताकि साड़ी पार्टी को बदनाम किया जाए, साड़ी पार्टी के लीडर बदनाम कर रहे, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का ध्यान भटके। बट जे मुद्दे अज की डेट देश चल रहे हैं, अब देश कि डाउन आ रहा है, कि गरीबी है देश, पेट्रोल का डीजल का रेट कितने जा रहा है, डॉलर का रेट कितने आ गया, ये सारे मुद्दे छड़ के मोदी सरकार ईडी का मिसबिहेव कर मिसयूज करके सारे लीडर धक्काशाही कर रही है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा, हो सके अं जिन्ना हो सके आप सारी जगह धरने लावे अपना पूरा विरोध करा। अब प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस चीज़ को लैके किया जा रहा है? अज जिला पठानकोट यूथ कांग्रेस वालों साडे अध्यक्ष इतों के रोहित सरना जी उन्हों की अगवाई में जड़ा सेंटर सरकार वालों जेडे अपने अहदे की दुरवरतों की जा रही है, ईडी वरत्या जा रहा, क्योंकि 2024 दी विधानसभा हुण नेड़े ने ते आए दिन तुहानूं देखण नूं मिलदा साडे लीडर साहिबान मैडम सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, उन्हां नूं नजायज़ तरीके नाल सारा सारा दिन बुला के उत्थे दफ्तर विच बिठाया जांदा है। उहदे संबंध विच अगे वी साडे मानयोग साडे प्रधान जी राजा वड़िंग जी उन्हां दी अगवाई विच चंडीगढ़ वी धरना दित्ता सी, बहुत भारी इकट्ठ होया सी। सो अज रोस वजो यूथ कांग्रेस ने पठानकोट ने अज पुतला फूकिया मोदी सरकार का, क्योंकि ये जड़ा काम मोदी कर रहा ये बहुत ही शर्मनाक काम कर रहा, क्योंकि ईडी के डर चाहते ने भी असी लीडर जोड़े कोई चंगे लीडर है उन्होंने आपके इल्जाम ला के उन्होंने लोगों के जड़ा अपने स्थापित करिए कि ये वधिया लीडर नहीं है। सो इन्हां दी जिहड़ियां इहो जिहियां चालां वो असीं नहीं चलन देंगे। आने वाले समय में जो भी सानू दिशा निर्देश पार्टी वल्लों होणगे वड्डे लैवल ते संघर्ष नूं जिहड़ा रोकिया जाऊगा। सो अज सारे कांग्रेस दे अहुदेदारां ने अज मोदी सरकार खिलाफ़ जिहड़ा पुतला फूक के अज रोस प्रदर्शन किया, साडे रोहित जी प्रधान जी सारे हलका प्रधान सारे इत्थे पहुंचे ने। सो आने वाले दिनों में होर भी पार्टी जो दिशा निर्देश वो हिसाब नाल असीं जे दिल्ली भी जाना पिया उत्थे भी जावांगे। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।